तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉग्स। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ अपने क्लासिक 350 रीबॉर्न का सेकंड फ्री सर्विस का फुल वीडियो। तो चलिए गाड़ी को देख लेते हैं। तो गाइस, ये रहा मेरे सामने मेरी किस्मत, इसका मैंने नाम दिया किस्मत। तो आज इसका सेकंड सर्विस में बेसिकली होगा क्या, इसका इंजन ऑयल टॉपअप होगा, रिफिल नहीं होगी, इंजन ऑयल टॉपअप होगा, फिर चेन ल्यूब होगा और चेन क्लीनिंग होगा, ठीक है। और वैसे भी बहुत धूला उला गिर चुका है, तो आज ये वॉश भी हो जाएगा गाड़ी, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो उसके साथ और एक तो चीज़ भी मुझे चेक करवाना है कि मैं इसमें जब भी फ्यूल भरता हूँ तो इसका ट्रिप हमेशा एफ ए दिखाता, तो आज का बेसिकली यही काम है। तो चलिए मिलते हैं सर्विस सेंटर में। तो गाइस, सर्विस सेंटर जाने से पहले मैं पेट्रोल पंप में आ जाता हूँ, पेट्रोल पंप पहले फिर इसको फ्यूल अप कर लेता हूँ, फिर निकल के मिदनापुर का जब रोड्स में निकलता है। यार आज बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था, बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ था, वैसे भी गर्मी का दिन है गाइस, आपको पता ही है कैसे गर्मी गिरता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में भी देखिए गाइस, मिल गए दो अंकल और आंटी जो रास्ते में एक यंगस्टर के साथ कुछ झमेला वगैरह कर रहे थे, बहुत ही कुछ, एक यंगस्टर ने कमेंट पास वगैरह कुछ कर दिया था इसलिए झमेला कर रहे थे, तो वो क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ फिर के सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर पीछे के हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, वहाँ पे जाकर जॉब कार्ड वगैरह सब कुछ बनवाना पड़ेगा, तो वो रेडी करके फिर मिलते हैं ब्लॉग पे। मेरा कस्टमर लॉन्ज में इधर बैठा हूँ, तो गाड़ी वो लोग लेके गए हैं टेस्ट ड्राइव पे, तो आने से गाड़ी दिखाता हूँ उसमें क्या क्या काम हो रहा है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं क्या क्या होगा उसमें। तो गाइज, यहाँ पर मेरा सर्विसिंग स्टार्ट हो चुका है, पहले इसका एयर फिल्टर क्लीनिंग हुआ, एयर फिल्टर भी क्लीनिंग हो रहा है, अभी हो जाएगा क्लीनिंग। तो फिर से एयर फिल्टर क्लीनिंग के बाद हम मेरा जो रियर टायर का टायर जो है वो एडजस्ट किया गया है, रियर टायर एडजस्ट होने का बाद फिर आते हैं हम पीछे का, मेरा ग्रैब रेल थोड़ा ढीला था वो टाइट करवा दिया भाई ने। तो उसके बाद अभी देखिए इंजन ऑयल टॉपअप हो रहा है, इंजन ऑयल टॉपअप मेरा 200 ml का इंजन ऑयल लगा है, मैं रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन पार्ट से ही सब कुछ हमेशा यूज़ करता हूँ, तो ये टॉपअप हो चुका है। अभी लास्टली अभी हो रहा है ये चेन क्लीनिंग हो रहा है, पहले ये चेन क्लीन किया जाएगा अच्छे से। तो अभी देखिए चेन क्लीनिंग कर रहे, अभी क्लीनर यूज़ कर रहे, क्लीनर यूज़ करने के बाद भैया ने अभी ये चेक कर रहे बार बार करके सब ठीक है कि नहीं, फिर यूज़ कर रहे ये चेन क्लीनर दे रहे हैं अभी। लास्ट मेरा सर्विस कंप्लीट हो चुका है, भैया गाड़ी निकाल रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरा सर्विस हो चुका है, तो बेसिक सेकंड फ्री सर्विस होता है, ये रहा मेरा उसका बिल। तो आइए मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। तो मेरा इस गाड़ी में हुआ है इंजन ऑयल का टॉपअप जो कि मेरा 78 rupees का आया है, फिर आया है चेन ल्यूब जो कि 189 rupees का आया है, और ये क्लीनर है वो भी 75 rupees का है, और जो एक्स्ट्रा कंज्यूमेबल चार्जेस होता है वो 118 का आया है, फिर यह है टोटल बिल बनता है 461। देख ही सकते पूरा बिल है, तो ये देख सकते हैं तुमने गाड़ी, तो इंजन ऑयल टॉपअप है, गाड़ी जो क्लीन वगैरह हुआ है तो ये सब ही हुआ है, और वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा था बोल के मुझे रिवर्स साइड में आना पड़ा। तो वीडियो इतने तक ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम का हैंडल अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ।